दोस्तों ये ओप्पो A3s है, UFI में बहुत कोशिश की, चिप भी निकाली लेकिन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। ये मेरे पास में सेट है, रियलमी 3 का सेट है, ओप्पो A3s है, और इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ऑन हो रहा है, प्रॉपर चल रहा है, लेकिन लॉक लगा हुआ है इसमें। तो मैंने इसे UFI बॉक्स से ट्राई किया, इसकी EMMC निकाल के भी डिटेक्ट किया लेकिन नहीं हुआ, ISP से भी किया नहीं हुआ, बिल्कुल फेल। तो फिर लास्ट में मैंने ये अपना जो लगा हुआ है, ये जिससे अपन चिप लोडिंग करते हैं ना, नॉर्मल कार रीडर, ये वो लगा हुआ है, तो उससे इसके ISP पिन आउट निकाले और ये EMMC UMT टूल में कनेक्ट किया। स्कैन पोर्ट हो चुका है, ये कनेक्ट है आपके सामने, बात करा पास इससे। क्या हुआ फोन तो इकबाल यार? हाँ। तो ये बिल्कुल फोन कनेक्ट हो चुका है, ये देखो हमारा पूरी तरह से फोन कनेक्ट हो चुका है। असीम वीडियो कॉल, हाँ बिल्कुल, कैमरा सेट करा रहा हूँ। हेलो, ये अपना फ़ोन बिल्कुल डिटेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद में देखिए, अब मैं इसे फॉर्मेट करता हूँ, इसका पिन और FRP निकालते हैं अपन इस। इसकी अपन निकालते हैं दोस्तों, देखो ये आपके सामने फिनिश हो चुका है। ये अगर आपको सही से दिखाई दे रहा होगा, वीडियो थोड़ी सी साफ नहीं आ रही है, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए ये बिल्कुल फिनिश हो चुका है, ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है। तो ऐसी बात नहीं है, ये अल्टीमेट मल्टी टूल है, जो कमज़ोर है अपनी जगह पे कमज़ोर नहीं है। कई बार क्या होता है, जो काम अपना UFI बॉक्स से नहीं हो पाता है तो वो अपना ये टूल कर देता है। कभी भी किसी को छोटा मत समझो, हम समझ लेते हैं कि है तो UMT टूल ही, क्या करेगा है? जो UFI बॉक्स नहीं कर पा रहा है वो ये क्या कर सकता है। तो दोस्तों ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्पफुल वीडियो लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, जिससे मेरा हौसला और बुलंद हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल ऐसी ही वीडियो मैं आगे से लेकर के आऊँ। ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, दोबारा से पोर्ट स्कैन कर लिया है, अब हम देखते हैं हमारा सेट क्या दिखाता है अपना लक। तो ये मैं आपके सामने पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने डाटा केबल निकाली। उस टाइम हो सकता है कि आपको लाइट के उजाले में कुछ दिखाई ना दे, तो देखो ये आपको पूरी तरह सभी दोस्तों को दिखाई दे रहा होगा। ये इससे अपन मेमोरी कार्ड डाउनलोड करते हैं, तो चलिए अब इसे डिस्कनेक्ट करते हैं। ये अब मैं सेट को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने पूरी तरह से सेट डिस्कनेक्ट कर लिया है। देखो आपको कैमरे के नज़दीक से दिखा दूं, मैं आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि मैंने इसकी EMMC तक निकाल दी,
लेकिन बहुत कोशिश की, मैं आपको यूएफआई का वो भी इसमें दिखा रहा हूँ। अब सेट पैक करते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अपना सेट ऑन हो चुका है। अब देखते हैं ये फॉर्मेट हुआ या नहीं हुआ है। देखिए ये अपना सेट पूरी तरह से ऑन हो चुका है। अभी हमें इंतज़ार है कि ये फॉर्मेट होगा या नहीं होगा, प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, या सेम प्रॉब्लम आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों सेफली अपना फ़ोन फॉर्मेट भी हो चुका है, आपके सामने वीआईपी ले लिया है। और ये कंप्लीट फॉर्मेट हो चुका है दोस्तों, ऑपरेशन सक्सेसफुली। तो मैं तो सभी भाइयों से यही बात बोलना चाहता हूँ, देखो जिस जिनके पास में अभी यूएफआई बॉक्स अवेलेबल नहीं है तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर यूएफआई बॉक्स नहीं है तो आपके सभी के पास में उम्मीद है कि यूएमटी तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं, सभी रखते हैं, तो आप उसका ईएमएमसी टूल एक्टिवेट कराइए। ज़रूरी नहीं है कि उसका आप हार्डवेयर लो, हार्डवेयर मतलब अगर हार्डवेयर नहीं है ना आपका, तो मैं देखो आपको जम्पर भी दिखा देता हूँ। ये अपना कार्ड रीडर है नॉर्मल, जिससे वो 5-10 रुपये का मार्केट से आता है। तो इसके देखो जम्पर निकालता हूँ मैं आपको। हेलो, हाँ जी, ये रवि पेन है भाई, रवि की पता ना आजकल कहाँ कहाँ हो रहे, समझ से बाहर है आजकल। देखिए ये है अपना नॉर्मल, तो इसमें मैं आपको पिन आउट एक बार सभी भाइयों को बताते देता हूँ। देखिए जैसे हम इस तरह से रखते हैं इसे, ये मान लो अपना सीधा है, और इस तरह से हम इसमें मेमोरी कार्ड डिटेक्ट करते हैं, इसी तरह से करते हैं। तो मेमोरी कार्ड की जो ये वाली नोक है, ये वाली, तो यहाँ से एक नंबर पिन चालू होता है, यहाँ से एक नंबर होता है, और ये इसका 8 नंबर है। तो 8 नंबर हमें छोड़ देना है, 7 नंबर पर हमें डाटा लगाना है, 6 नंबर को हमें ग्राउंड करना है, 5 नंबर हमें सीएल के लगाना है, और जो इसकी 3 नंबर है, 3 नंबर पे हमको सीएमडी लगाना है। सीएमडी लगाने के बाद में इसे पैक करके सेट को कनेक्ट कर देना है, और वीसीसी और वीसीसी की क्यू की जगह पे हमने डाटा केबल यूज़ करनी है। इस तरह से ये नॉर्मली कनेक्ट हो जाता है। हाँ, कनेक्टिंग में एक दो बार प्रॉब्लम दिखाता है, जैसे जम्पर कोई लूज हो गया, मतलब कोई भी इशू आ जाता है, तो उससे परेशान ना हो। एक दो बार ट्राई करोगे तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ही ले लेगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को यार कुछ सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ भाई, जिससे मेरा भी तो कुछ हौसला हो। अभी तो वही 10-20-50 सब्सक्राइबर हैं, क्या होता है इनमें यार। अच्छा भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।